वॉइस ऑफ स्कूल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश वोशा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राहुल राज और प्रदेश महासचिव डॉक्टर अतुल कुलश्रेष्ठ द्वारा संयुक्त तत्वधान में आज मिल्टन पब्लिक स्कूल अवधपुरी आगरा में शिक्षक सम्मान समारोह दिवस पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वोसा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राहुल राज ने बताया कि शिक्षक सम्मान समारोह आगरा में 10 सितंबर को आयोजित होने जा रहा है। आयोजक द्वारा इसकी तैयारियां भी पूरी कर दी गई हैं। इस शिक्षक सम्मान समारोह के आयोजन हेतु कार्यक्रम आयोजक योगेश कुलश्रेष्ठ को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है। आगरा में वॉइस ऑफ स्कूल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश यानी वोसा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राहुल राज और प्रदेश महासचिव डॉक्टर अतुल कुलश्रेष्ठ द्वारा संयुक्त तत्वधान में मिल्टन पब्लिक स्कूल अवधपुरी आगरा में एक शिक्षक सम्मान समारोह दिवस पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वोसा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राहुल राज ने बताया कि शिक्षक सम्मान समारोह आगरा में 10 सितंबर को आयोजित होने जा रहा है। आयोजक द्वारा इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इस शिक्षक सम्मान समारोह के आयोजन हेतु कार्यक्रम आयोजक योगेश कुलश्रेष्ठ को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है, जिसमें शिक्षक शिक्षिकाएं भाग ले रहे हैं। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आगरा शहर की प्रमुख गणमान्य लोगों की उपस्थिति, शिक्षाविद और शिक्षा मनीषी भी मौजूद रहेंगे। इसमें वोशा शहर प्रभारी राजेश पंडित ने शिक्षक सम्मान समारोह के लिए 10 सितंबर की घोषणा की है, जिसको सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया। जिला अध्यक्ष अनिल शर्मा द्वारा समस्त स्कूलों को शिक्षक सम्मान समारोह के संबंध में जनसंपर्क करने हेतु एक टीम का गठन किया गया है और इसकी सूचना भी टीम द्वारा विद्यालयों को भेज दी गई है। योगेंद्र शर्मा द्वारा इस पूरे आयोजन का प्रारूप तय कर लिया गया है। लेकिन अब सब स्थिति सामान्य है और इसका आयोजन 10 तारीख को हम लोग करने जा रहे हैं। आज एक कैबिनेट की बैठक रखी हम लोगों ने अपनी घोषणा की, जिसमें हम निर्णय लेंगे कि कितने शिक्षकों को टोटल हमें सम्मानित करना है और किस आधार पर करना है। उसके लिए कुछ नियमावली हमने लागू की है जो आज उसको फाइनल करेंगे। और मेरा जो इस हम लोगों का जो उद्देश्य कार्य करने का ये वाला सम्मान वाला, इसमें शिक्षकों को जो उनका मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य हम लोग कार्य कर रहे हैं और जो हमने पिछले वर्षों में किए थे उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आए और शिक्षक को अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे कि वो ऐसे कार्य में सबसे ज़्यादा सम्मानजनक कार्य है। और हमें देश के हर व्यक्ति को शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। 5 तारीख को नहीं, दैनिक कार्यों में भी शिक्षक अगर कहीं भी मिलते हैं अपने पुराने या हम लोग जहाँ पढ़ते हैं बच्चे पढ़ते हैं तो उनको हर जगह सम्मान करना चाहिए, जब भी वो देश की उन्नति कर सकते हैं और अपने समाज के संग कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं। हर वर्ष की बात इस बार 300 से 400 शिक्षकों का सम्मान शिक्षक शिक्षिकाओं का संगठन करने जा रहा है, किया है हमने। लेकिन कोरोना काल के बाद ये पहली बार ये हो रहा है, क्योंकि कोरोना बीच में 2 साल से कोरोना हो गया था, इस वजह से रुकावट पड़ गई थी। लेकिन आगरा के जितने भी वैसे स्कूल इंग्लिश मीडियम हो या एंग्लो इंडियन हो या ICSE हो, हम लोग सभी स्कूलों के शिक्षकों को सम्मान करते हैं। हमने सबसे बड़ा प्रोग्राम 2-3 साल पहले चूर सदन में भी किए थे, कई प्रोग्राम, और बहुत अच्छे स्केल पे हम लोग प्रोग्राम, क्योंकि एक शिक्षक ही है जो देश को बचाए हुए, जो देश को संस्कार दे रहा है, शिक्षक ही है। और हम उन शिक्षकों को नमन करते हैं, वो करते हैं कि भाई हम लोग उनको हमेशा वो करें और सम्मान, वो सम्मान के लायक हैं, हम लोग खूब सम्मान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका ही वो है कि सहयोग है कि हम लोग शिक्षा की जगत में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इंग्लिश मीडियम CBSE ICSE और एंग्लो इंडियन के सभी स्कूलों को एक साथ लेकर के चल रहा है। बाकी और जितने भी संगठन हैं वो या तो CBSE को लेकर के चल रहे हैं या केवल ICSE को लेकर के चल रहे हैं। केवल वोसा ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो सभी बोर्डों को साथ में लेकर के चल रहा है। शिक्षक सम्मान समारोह में प्रतिवर्ष हम जो है शिक्षकों के सम्मान जो करते हैं वो 300 से 400 इस वर्ष का टारगेट है और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम इस टारगेट को 500 तक ले जाएं। हमने सभी जिलों में जो भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं पूरे उत्तर प्रदेश में सबको लेटर भेज दिए हैं और कई जगह से हमें वहाँ से कंसर्न भी आनी शुरू हो गई है। तो इसमें जो है शिक्षकों का सम्मान के लिए जो 10 तारीख को हम लोगों ने वोशा वालों ने रखा है, उसमें जो है शिक्षक का सम्मान किस तरीके से होना चाहिए वो रणनीति को हम लोग यहाँ डिसाइड करते हुए, और इसमें कम से कम सारे कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं है जिसमें हम लोग सभी बोर्डों को, यूपी बोर्ड का भी शिक्षक यहाँ आता है, ये नहीं कि CBSE हो, हम लोग CBSE से जुड़े हों तो ये नहीं कि CBSE का ही हो। गुरु तो सभी एक ही समान है,
का सम्मान हमारा कर्तव्य है। ताजनगरी आगरा से प्रातः दर्पण न्यूज के लिए अविनाश कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के Facebook, Twitter, Instagram पेज को भी फॉलो करें।